अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हो, इस बार एग्जाम दे चुके हो, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर कि अब की बार जो है किस प्रकार से छात्रों को डिस्टिंक्शन यानी मार्क में जो है डी लगेगा। तो चलिए जानते हैं बोर्ड के नियम को कि बोर्ड जो है कब छात्रों को डिस्टिंक्शन देता है यानी मार्क में डी लगाता है। तो बिहार बोर्ड के इस नियम को हम जानेंगे और पिछले वर्ष के स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को भी देखेंगे कि उसको जो है किस प्रकार से मार्क में डी लगा है। तो चलिए उन छात्र के पहले हम सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। तो हम पिछले वर्ष के छात्रों का जो है 12th का मार्कशीट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि आरबी नन हिंदी जो 50 मार्क की होती है, तो इसमें देखिए इनको जो है कि थ्योरी में 44 मार्क मिला है, इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, और देखिए 44 मिला है, इनको डी मिला है। तो देखिए डी यहाँ पर लगा हुआ है डिस्टिंक्शन। उसके बाद देखिए एमबी अल्टरनेटिंग इंग्लिश है, इसमें इनको 38 मार्क मिला है और यहाँ पर डी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एलएल इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश जो है इनमें 72 मार्क मिला है, इनमें डी नहीं लगा है। उसके बाद फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में देखिए इनको 84 मार्क मिला है और इनको डी लगा है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको केमिस्ट्री में 89 मार्क मिला है और यहाँ पर डी लगा हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो इनमें इनको 95 मार्क मिला है और इसमें डी लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड इस बार जो है कि छात्रों को इस प्रकार से मार्क में डी कब लगाएगा, कितना प्रतिशत मार्क लाने पर डी लगाएगा। चलिए बिहार बोर्ड के हम इस रूल को जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो डिस्टिंक्शन विल बी अवार्डेड ऑन द स्कोर ऑफ 75% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, यानी डिस्टिंक्शन तब ही मार्क में लगता है, यानी डी तब ही लगता है मार्क में जब आप 75% मार्क उस सब्जेक्ट में या उनसे अधिक लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 मार्क के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको 75 मार्क आता है तो डी लगेगा ही, 76 भी आएगा तो डी लगेगा। इसी प्रकार से 75 से लेकर के 100 तक अगर आपको मार्क आएगा तो उसमें डी लगा रहेगा, और अगर 75 से कम रहा यानी 74 रहा तब भी आपको डी नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ पर जो हम जो दिखाएं कि 72 मार्क था, डी नहीं लगा हुआ था, इसी लेकर के नहीं लगा हुआ था क्योंकि उस सब्जेक्ट में 75% मार्क नहीं था। तो बिहार बोर्ड का यही रूल है, जो भी स्टूडेंट इस बार 75% मार्क लाएंगे उस सब्जेक्ट में, उनको जो है डी लगेगा ही। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत छात्रों के मन में होगा कि सब्जेक्टिव में जो मार्क मिलता है, ऑब्जेक्टिव में जो मार्क मिलता है, उसके बाद है प्रैक्टिकल में जो मार्क मिलता है, तीनों को जोड़ करके 75% होना चाहिए, यही रूल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव में ही, ऑब्जेक्टिव में ही, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को जोड़ करके ही, प्रैक्टिकल को छांट करके, ऐसा नहीं होता है। आपका जो है प्रैक्टिकल सहित, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल सहित अगर मार्क 75% आ गया तो आपके मार्क में डी डिस्टिंक्शन लग जाएगा। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से छात्रों को डिस्टिंक्शन मिलेगा, मार्क में डी लगेगा। बिहार बोर्ड से संबंधित जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।